भगवान के एक परम भक्त हुए जिन्होंने बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति में अपना मन लगाया, और वो है भक्त प्रहलाद। श्री प्रहलाद जी पर भगवान की अति कृपा हुई है। भगवान ने इनको नरसिंह रूप में आकर के इनकी रक्षा की। भगवान ने पूछा है प्रहलाद से कि बेटा बता तुझे क्या चाहिए, तो प्रहलाद जी ने कहा नाना प्रभु हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आपने सब कुछ मुझे दिया है। कहा नहीं नहीं फिर भी अपने लिए नहीं तो कम से कम ये जो लोग दिन रात मंदिर जाते सत्संग जाते इनको बताने के लिए तो पूछ ले कि तुझे क्या चाहिए, क्या मांगना चाहिए इनको तो बता दे। तो प्रहलाद ने वही मांगा जो गोस्वामी जी ने मांगा कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग ही मोही राम। जैसे कामी को नारी अच्छी लगती है, जैसे लोभी को पैसा अच्छा लगता है, वैसे प्रभु मुझे आपके चरण आपसे प्रेम हो जाए, मुझे चरणों से अनुराग हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर करे। आप सबसे भी बस यही प्रार्थना है मेरी कि कभी भगवान मिल भी जाएं तो भगवान से बस यही कहिएगा प्रभु जितना धन आज दिया है उससे कम भी दे दोगे तो चलेगा, जितना बड़ा घर दिया है उससे छोटा भी दे दो तो चलेगा, जितने रिश्तेदार दिए हैं उससे कम भी दे दो तो चलेगा, सब कुछ छीन लो तो चलेगा, लेकिन भगवान अपना प्रेम मुझ पर भरपूर लुटा दो, मेरा हृदय आप में बस डूब जाए, ऐसी कृपा। यही तो सच्ची मांग है, बाकी तो सब मोह माया है। कहते हैं ना कि बच्चा रोता है भगवान के सामने, बच्चा रोता है अपने माता पिता के सामने, तो माँ काम में लगी होती तो इसलिए उसको कुछ खिलौना दे देती है, इसे खेल ले जा, थोड़ी देर उससे लेके वो मूड उसका माइंड जो है वहाँ डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसे याद आता, फेंक देता, फिर रोता, फिर माँ चॉकलेट दे देती है, चॉकलेट से थोड़ी देर खेलता है, थोड़ी देर चुप रहता, फिर उसे याद आ जाती है, फिर फेंक देता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि अब उसे कुछ भी दे दो अब वो चुप नहीं होने वाला जब तक उसे गोदी में नहीं लोगे। तो वैसे ही भगवान के द्वार पर पहले रो रहे हैं भगवान के सामने, भगवान ने क्या किया पैसा दे दिया, लक्ष्मी में बावरा हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर याद आई, फिर भगवान के लिए रोया, फिर भगवान ने उसको थोड़ा लालच देने के लिए नौकरी दे दी, अच्छी बहू दे दी, बेटा बेटी दे दिए कि इसमें लग जाए, थोड़ी देर लगा रहा, पर अब एक दिन ऐसा आना चाहिए कि इतना रोए कि अब कुछ ना भाए, जब तक आप मुझे अपनी गोदी में नहीं उठाओगे तब तक मैं रोना बंद नहीं करूँगा।